हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉमन सेंस को, जिसे लिखा है थॉमस पेन ने। बेसिकली ये एक पैम्पलेट है। सो बिगन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थॉमस पेन। ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड टू जोसेफ, यानी जोसेफ इनके फादर थे। सो ये उनका बायोग्राफी है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस पैम्पलेट के, वो मैंने हाईलाइट किए हुए एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड। सो फ्रैंकलिन, जो फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थॉमस पेन के दोस्त थे, उन्होंने थॉमस पेन को एक लेटर दिया और उन्हें इनवाइट किया, ठीक है, टू मूव एंड सेटल इन ब्रिटेन्स अमेरिकन कॉलोनीज इन 1774 में। सो उनको यहाँ लाने का एक मकसद था। वो मकसद क्या था? वो मकसद ये कि ताकि थॉमस पेन, जो कि एक इनलाइटनमेंट थिंकर थे, वो लिख सके या लोगों को अवेयरनेस दे सके रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन। सो जिसकी वजह से रिवॉल्यूशनरी वार हो गई और अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है अमेरिकन हिस्ट्री में, कॉमन सेंस जो है पैम्पलेट, और ये मेजर रोल प्ले करती है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, राइट। सो इनलाइटनमेंट मूवमेंट इंक्लूड, इसके अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल भी आते हैं, जिन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा हुआ है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वीडियोस के अंदर, राइट, उनकी जो एसे हैं। एंड देन थॉमस पेन, और बाद में थॉमस जेफरसन को हम देखेंगे, उनका भी इम्पोर्टेंट वर्क है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो इनलाइटनमेंट फिलोसोफर में जॉन लॉक आ गया, इस कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी और इन अलाइनेबल राइट्स के बारे में उन्होंने लिखा, राइट। सो ये कुछ डिटेल्स है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो बिगन विद अ समरी कि इस पैम्पलेट के अंदर क्या है। सो पेन बिगन विद द कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट को कमेंट करते हुए वो बताते हैं कि सोसाइटी और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। वो कहते हैं कि सोसाइटी एक ब्लेसिंग है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड यूनाइटेड अफेक्शंस, जबकि गवर्नमेंट जो है, इट इज़ नो बेटर देन अननेसेसरी इविल। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उस टाइम के गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को, जो कि कॉलोनाइजर्स है, ठीक है, जो रूल करते हैं अमेरिकन पे, 13 अमेरिकन जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, ठीक है, विच सर्व्स टू रिस्ट्रेन ह्यूमन वाइसेस को, उन्होंने अमेरिकन्स को दबाए रखा है। सो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पार्टिकुलरली हम देखेंगे किंग को किस तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड देन थॉमस पेन ऑफर्स अ डीपर क्रिटिक ऑफ मोनार्की, मोनार्की के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मोनार्की जो है इट्स एन इविल, ये सही नहीं है, तमाम फसाद की जड़ ये मोनार्की है, और हेरिडिटरी सक्सेशन उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, मोनार्की और हेरिडिटरी सक्सेशन के ख़िलाफ़। वो सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स हम डिटेल के साथ देखेंगे। सो पेन आर्ग्यू दैट द बिब्लिकल हिस्ट्री डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि मोनार्की जो है अनक्रिश्चियन है, एंड उसको रिजेक्ट करते हैं, और हेरिडिटरी सक्सेशन जो है इवन वर्स देन द किंगशिप से भी बदतर है, बिकॉज यू नो ये इम्पोज करती है रूलर्स के विल को लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती। एंड देन फिर क्या करते हैं, थॉमस पेन टर्न्स टू द हार्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको टाइटल दिया गया है द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अमेरिकन अफेयर्स। सो बेसिकली इसके कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है जी, विद द टाइटल्स, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंड करेक्टर्स को देखा जाए तो इनलाइटनमेंट पॉलिटिकल फिलोसफी है, किंगशिप, उस टाइम के किंग को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि किंग जॉर्ज द थर्ड थे, ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन से थीम्स एक्सप्लोर करते हैं, गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करती है। एंड देन अगेन द फॉर्मर जो है सोसाइटी प्रमोट करती है हमारी हैप्पीनेस को, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट इसको निगेट करती है, हमारे वॉइस को दबा के रखती है। द फर्स्ट यानी सोसाइटी हमारा पेट्रॉन है, और जबकि गवर्नमेंट एक पनिशर है,
थॉमस पेन अपने इस पैम्फलेट के अंदर ये बात डिस्कस करते हैं। एंड देन सोसाइटी कहता है कि सोसाइटी एक ब्लेसिंग है जबकि गवर्नमेंट एक नेसेसरी इविल है। सो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड देन मोनार्की के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमने उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देखे थे कि उसको बिब्लिकल रेफरेंस से भी प्रूफ किया कि ये जो है अनक्रिश्चियन है, ये सही नहीं है। इस तरह प्रूफ किया कि पहले जो ना किंगशिप नहीं हुआ करता था, तब पीस था, जब से किंगशिप का सिस्टम शुरू हुआ तब से वॉर्स आने लगे, लड़ाइयाँ वार्स होने लगे। एंड देन कहते हैं मोनार्की इज़न्ट जस्ट करप्ट बाय इट्सेल्फ बट अल्टीमेटली करप्टिंग द सोसाइटी। एंड वो क्लेम करते हैं कि मोनार्की जो है करप्ट है, ये करप्ट करती है। एंड बिल्ट एंटी मोनार्कल केस। और फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। ही यूज़ द मेटाफर ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड एंड इमेजिनरी ऑफ यूथ टू आर्ग्यू अगेंस्ट द कंटिन्यू कनेक्शन टू ब्रिटेन। अच्छा, उसके अलावा थॉमस पेन जो थीम्स एक्सप्लोर करते हैं इस पैम्फलेट के अंदर, रीज़न, मोरालिटी और रेटोरिक्स को। फिर पेन ये आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं कि अ लॉन्ग हैबिट ऑफ नॉट थिंकिंग अ थिंग रॉन्ग गिव्स इट अ सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ बीइंग राइट। अगर ये जो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग लोगों के अंदर इनकल्केट किया गया है कि वो रॉन्ग चीज़ को भी रॉन्ग नहीं समझने लगते हैं, ठीक है। इस तरह का माइंड सेट ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज पीपल के ऊपर इम्पोज किया है। सो ये सिंबल्स यूज़ करते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड का। ये यूज़ दिस सिंबलिज्म ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड ये आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए कि अमेरिका हैज़ आउट ग्रोन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन ग्रेट ब्रिटेन एंड शुड सीक इट्स इंडिपेंडेंस। अच्छा, सो कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस है जो आप कोट कर सकते हैं वाइल आप आंसर लिखते वक्त। कहता है कि द कॉज ऑफ अमेरिका इज़ इन अ ग्रेट मेजर द कॉज ऑफ ऑल मैनकाइंड। यानी इसको एक यूनिवर्सल अपील देते हुए, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका को यूनिवर्सल अपील देते हुए कहते हैं कि द कॉज ऑफ अमेरिका इज़ द कॉज ऑफ ऑल मैनकाइंड। इस तरह के लाइंस आप कोट कर सकते हैं। कहते हैं मोनार्की के बारे में, मोनार्की एंड सक्सेशन हैव फ्लेड नॉट दिस और दैट किंगडम ओनली बट द वर्ल्ड इन ब्लड एंड एशेस। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वर्ड ऑफ गॉड बेयर्स टेस्टिमनी अगेंस्ट द ब्लड विल अटेंड। मोनार्की के बारे में कहते हैं कि इट्स इनहेरेंटली करप्ट एंड करप्टिंग, और ख़ुद बाइबल का रेफरेंस भी ये चीज़ प्रूव करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हैं, ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं, आई प्रोवाइड यू राइट। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि अ लॉन्ग एंड वायलेंट अब्यूज़ ऑफ पावर किया गया है हम पे, यानी ब्रिटिशर्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी बहुत पहले से लॉन्ग टर्म से अब्यूज़ ऑफ पावर हम पे किया गया है, पावर का गलत यूज़ किया है हमारे कॉलोनाइजर्स ने, ठीक है। सो हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने इंडिपेंडेंस के हवाले से। फिर कहते हैं कि ही ओपन द पैम्फलेट विद द अपील ऑफ ह्यूमन रीज़न, यानी ह्यूमन रीज़न उनको, लोगों को इनलाइटन करने के लिए उनके रीज़निंग को अर्ज करते हुए कहते हैं कि मोनार्कीकल पावर जो है ये एक ऑपरेशन है, ये जुल्म व ज़्यादती है, ये एक ज़बरदस्ती है, ज़ालिमाना सिस्टम है। एंड ही रिफर्स टू द आइडिया ऑफ द नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि बाद में स्लोगन बनता है अमेरिकन रिवोल्यूशन का। सो बेसिकली इसके चार पार्ट्स है। द फर्स्ट वन इज़ जिसका टाइटल दिया गया है ऑफ द ओरिजिन एंड डिज़ाइन ऑफ द गवर्नमेंट इन जर्नल। सो जिसमें सोसाइटी और गवर्नमेंट की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। समरी में ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ था, सोसाइटी को फेवर करते हैं, सोसाइटी के पॉजिटिव पॉइंट्स यू नो डिस्कस
करते हैं और गवर्नमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक विकेडनेस है, नेसेसरी इविल है। और उसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं सोसाइटी एक ब्लेसिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इज़ अ बेज ऑफ लॉस्ट इनोसेंस कहते हैं गवर्नमेंट को। और जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, वो रॉन्ग तरीका है। कौन सा? हेरिडिटी सक्सेशन, डेमोक्रेसी नहीं है, हेरिडिटी सक्सेशन है। किंग अपने बात अपने ही औलाद को मुंतखब करते हैं। जब ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी, द एंड ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो हमें फ्रीडम मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगा। एंड देन कहते हैं मोनार्किकल टायरनी, यानी किंग जो है जालिम है, टायरनिकल है, एंड एरिस्टोक्रेटिक टायरनी, ठीक है। सो अगेन उसके खिलाफ अपने आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह डिफेंड करते हैं वो देखेंगे कि जो मोनार्की है ये इनहेरेंटली रेडिकुलस है, ये अनक्रिश्चियन है। बिब्लिकल रेफरेंस से प्रूव करते हैं कि पहले जो है किंग्स नहीं हुआ करते थे, तब पीस था, वॉर्स नहीं थी, जब से किंगशिप आया हुआ है वॉर्स ही वॉर है। दूसरा जो पोर्शन है, सेक्शन है इसका, वो है ऑफ मोनार्की एंड हेरिडिटरी सक्सेशन, जिसमें वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट, ह्यूमंस आर बोर्न इक्वल, तमाम ह्यूमंस जो है इक्वल है। और बाइबल भी ये शो करती है कि एट द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री, जब हम देखते हैं, देयर वर नो किंग्स, बिकॉज ऑफ दिस देयर वर नो वार्स, ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड पेन कहते हैं कि बाइबल इज़ क्लियर ऑन दिस पॉइंट दैट, बाइबल ने भी ये प्रूफ किया है कि मोनार्की जो है अनक्रिश्चियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक टायरेनिकल है, ऑपरेशन है, जुल्म ज़्यादती है। इन मोनार्की इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड देन हेरिडिटरी सक्सेशन जो है ये करप्टिंग है। अच्छा जी, उसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था, इट इज़ ग्राउंडेड ऑन द एनलाइटनमेंट व्यूज ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। एंड देन पेन आर्ग्यूमेंट दैट मोनार्की इज़ नॉट ओनली इनहेरेंटली करप्ट, ये न सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्टिंग भी है, लोगों को करप्ट करती है, सिस्टम को करप्ट करती है। एंड देन कहते हैं मैन हु कंसिडर देमसेल्व बॉर्न मोनार्क्स इजली ग्रो इंसोलेंट, यानी रूड, इंसोलेंट, विकेड, एंड बिकम डिसकोनेक्टेड फ्राम द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, के इंटरेस्ट का इनको कोई लिहाज नहीं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं किंग्स। फिर कहते हैं ही आर्ग्यूज दैट इट्स अनक्लियर वट रोल अ किंग रियली हैज़ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो किंग है उस टाइम के, ठीक है, किंग जॉर्ज, एंड ही हैज़ लिटल टू डू बिसाइड कंडक्टिंग वार्स, उसका वार्स कंडक्ट के करने के सिवा और कोई काम नहीं। थर्ड जो सेक्शन है, थॉट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अमेरिकन अफेयर्स, इसमें वो क्या बात करते हैं, पेन सिंपली ऑफर अ सिंपल फैक्ट, प्लेन आर्ग्यूमेंट्स और कुछ कॉमन सेंस, कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि द टाइम फॉर डिबेट इज़ ओवर, कि आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट करने का टाइम ओवर हुआ, अभी ये टाइम है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़े। एंड पेन आर्ग्यूज दैट द किंग एक्सप्लॉइट दिस फ्रेज इन ऑर्डर टू प्रे ऑन वीक माइंड्स, उन किंग ने एक्सप्लॉइट किया है अमेरिकन्स को, ठीक है, जो कि वीक है, उनसे पावर में कम है। एंड इस केस में देखा जाए तो ऑल अमेरिकन्स वर ऑफ द इंग्लिश डिसेंडेंट, ठीक है, अमेरिकन खुद सेल्फ देम सेल्फ दे आर द इंग्लिश डिसेंडेंट डिस्पाइट दैट दे हैव बीन रूल्ड ओवर बाय द ब्रिटिश, सो ये गलत है। इसके अलावा जो फोर्थ पोर्शन हम देखेंगे, वेयर इज इट, जो फोर्थ सेक्शन है, फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ द अमेरिका विथ सम मिसलेनियस रिफ्लेक्शंस, इसमें वो बात करते हैं ही प्रपोजेज टू सर्वे अमेरिकाज प्रेजेंट रेडीनेस फॉर द इंडिपेंडेंस, कि लोगों में कितना जो है शऊर आ गया है
कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरह। सो कहते हैं कि अमेरिका का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, वो कहते हैं अमेरिका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज नॉट ओनली इट्स नंबर बट इट्स यूनिटी, कि अमेरिकन्स ना सिर्फ नंबर में ज़्यादा है बल्कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी यूनिटी में है, अगर वो यूनाइट हो जाए तो वो इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। एंड आल्सो बिलीव्स दैट द टाइम इज़ राइट, अभी राइट टाइम है स्टेप लेने का। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सहा, बहुत वेट किया, अभी टाइम आ गया है कि हम फाइट करें। अमेरिका इज़ numerous but not yet so large to be threatened its unity and youth is the seed time of the good habits। उसके अलावा कहते हैं कि एज बोथ हमारा ट्रेड और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है, सो हमारा पोटेंशियल है कि हम यू नो इन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लड़े, इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें ताकि उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो। फिर कंक्लूजन ड्रा करते हुए कहते हैं ही कंक्लूड्स दैट नथिंग बट इंडिपेंडेंस वुड सो नीटली कंक्लूड अमेरिकाज प्रेसिंग इश्यूज। फॉर वन थिंग इफ अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंस देन अनदर नेशन माइट बी कॉल्ड अपॉन टू मीडिएट बिटवीन द अमेरिका एंड ब्रिटेन। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका इज टू रिमेन अंडर द ब्रिटेन्स अथॉरिटी, then a power like दूसरे जो powers है फ्रांस स्पेन could be expected to act against their own interests by intervening on America's behalf। ठीक है, दूसरे जो है powerful nations है वो भी इसमें interfere करेंगे। और तीसरे में कहते हैं कि America would no longer have a reputation as a rebellious। फिर ही issue a manifesto टू फॉरेन कोर्ट्स, एक्सप्लेन करते हैं उनके सिचुएशन को और एक्सप्लेन करते हैं देयर पीसेबल इंटेंशंस को। कहते हैं विदाउट इंडिपेंडेंस अमेरिका विल रिसीव नो ओवरसीज हेयरिंग और हेल्प एंड अनटिल अमेरिका रिवॉल्व्स टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड द नेसेसिटी फॉर इट विल कंटिन्यू टू हाउंट कंट्री एज अ होल। सो ये था कॉमन सेंस के बारे में। आई मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा शॉर्ट वीडियोज में। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड दिस इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।